struggle between English and French. England and France were rivals in the competition for trade in India. तो ये प्रतिस्पर्धी थे, इंग्लैंड और फ्रांस एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी थे, कंपटीशन चलता था उनका इंडिया में व्यापार करने के लिए, इंडिया में ट्रेड करने. ड्यू टू दिस देयर वेयर थ्री वार्स फॉट बिटवीन देम, इसलिए उनमें थ्री वार हुए थे. विच आर नोन एज कर्नाटक वार, उसको कहते हैं कर्नाटक युद्ध. इन द थर्ड कर्नाटक वॉर इंग्लैंड फाइनली डिफीटेड फ्रांस. तीसरे कर्नाटक वॉर में क्या हुआ, इंग्लैंड ने फ्रांस को डिफीट किया. देयरफॉर नाउ देयर वाज नो स्ट्रांग यूरोपियन कॉम्पिटिटर फॉर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया. तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कोई सा भी एक स्ट्रांग कॉम्पिटिटर अब था नहीं. फाउंडेशन ऑफ रूल ऑफ इंडिया कंपनी इन बंगाल. तो बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी है वो स्टार्ट हो चुकी थी. कैसे स्टार्ट हुई, देखो, द बंगाल प्रोविंस वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्परस प्रोविंस इन इंडिया. तो ये बंगाल जो प्रोविंस है वो इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंस प्रोविंस है. इन 1756 एडी सिराज उद दौला बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल. तो 1756 में क्या हुआ, जो सिराज उद दौला था वो बंगाल का नवाब बन गया था. ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिसर मिस यूज द ट्रेड कंसेशन ऑप्टेन फ्रॉम मुगल एम्पायर इन बंगाल प्रोविंस. ईस्ट इंडिया का कंपनी क्या करती थी, मिस यूज करती थी, जो उनको सहूलत मिलती थी उसका मिस यूज करती थी. द इंग्लिश बिल्ट फोर्टिफिकेशन अराउंड द फोर्टिफिकेशन ऑफ कोलकाता विदाउट द परमिशन ऑफ नवाब. तो इंग्लिश ने क्या किया, वहाँ पे कोलकाता की जो फैक्ट्री है वहाँ पे फोर्टिफिकेशन किया विदाउट परमिशन ऑफ द नवाब. उस उन्होंने नवाब की परमिशन ली नहीं, इसलिए इन सिराज उद्दौला कैप्चर द फैक्ट्री एट कोलकाता. ये सिराज उद्दौला ने जो फैक्ट्री है उसको कैप्चर कर लिया. दिस क्रिएटेड डिसकंटेंट इन इंग्लैंड. इसकी वजह से इंग्लैंड में क्या हुआ, डिसकंटेंट हुआ, असंतोष क्रिएट हुआ. रॉबर्ट क्लाइव डिप्लोमेटिकली ब्राइब मीर जाफर. रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, जो मीर जाफर है उसको अपने साइड में कर लिया. द कमांडर इन चीफ ऑफ द नवाब आर्मी एंड आल्सो प्रॉमिस टू मेक हिम द नवाब ऑफ बंगाल. उसको ये बताया गया कि हम तुमको नवाब बंगाल का नवाब बना देंगे. नवाब सिराज उद्दौला एंड द ब्रिटिश ट्रूप मेट अ प्लासी इन 1757. तो जो नवाब है सिराज उद्दौला और ब्रिटिश ट्रूप है वो कहाँ पे मिले, 1757 में प्लासी की लड़ाई. बट अंडर द लीडरशिप ऑफ मीर जाफर द नवाब आर्मी मेड नो मूव टू एक्चुअली जॉइन द बैटल. लेकिन क्या हुआ, मीर जाफर वहाँ पे ज्वाइन ही नहीं हुआ और इसलिए सिराज उद्दौला वहाँ पे डिफीट हो गया. मीर जाफर बिकम द नवाब ऑफ बंगाल विद द सपोर्ट ऑफ ब्रिटिश बट लेटर ही स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड हेंस हिज सन इन लॉ मीर कासिम वॉज मेड द नवाब. तो मीर जाफर क्या हुआ, नवाब बन गया, बंगाल का नवाब ब्रिटिश के सपोर्ट से. बट लेटर ही स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश. लेकिन वो उसके बाद उसने क्या किया, ब्रिटिश के अगेंस्ट में गया वो प्रोटेस्टिंग के लिए, संरक्षण के लिए. हिज सन इन लॉ मीर कासिम वॉज मेड द नवाब. उसके बाद उसका जो सन है मीर कासिम बंगाल का नवाब बन गया. मीर कासिम ट्राइड टू पुट रिस्ट्रिक्शन ऑन द इलीगल ट्रेड ऑफ ब्रिटिश एंड हेंस वंस अगेन मीर जाफर वॉज मेड नवाब ऑफ बंगाल. मीन्स मीर कासिम ने क्या किया, जो भी इलीगल ट्रेड थे, रिस्ट्रिक्शन थे, उसको दूर करने की कोशिश की, ब्रिटिश के अगेंस्ट गया वो, इसलिए फिर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया. तो रिस्ट्रिक्ट द एक्टिविटीज ऑफ ब्रिटिश इन बंगाल. मीर कासिम शुजा उद्दौला द नवाब ऑफ अयोध्या एंड मुगल एम्पायर शाह आलम फॉर्म एन अलायंस एंड अ कैंपेन इन 1764 एडी बैटल ऑफ बक्सर वॉज फॉट इन बिहार. तो जो तीनों ने मिल के कौन तीन ब्रिटिश के अपोज में गए, तीन लोग, जैसे मीर कासिम सिराज उद्दौला द नवाब अयोध्या एंड द मुगल एम्पायर शाह आलम फॉर्म एन अलायंस एंड द कैंपेन इन 1764 एडी बैटल ऑफ बक्सर वॉज फॉट इन बिहार. तो बक्सर का बैटल हुआ 1764 में बिहार में. आफ्टर दिस बैटल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द राइट टू कलेक्ट द रेवन्यू फ्रॉम बंगाल प्रोविंस. इस बैटल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को राइट मिला
कौन सा राइट? कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम बंगाल प्रोविंस, मीन बंगाल प्रोविंस से रेवेन्यू कलेक्ट करने का, महसूल कलेक्ट करने का। पर द ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद इन दिस मैनर द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन ईस्ट इंडिया वॉज लेड इन बंगाल। तो इस तरीके से बंगाल में जो ब्रिटिश है उनकी सत्ता बढ़ गई, क्योंकि जो तीनों ने मिलके जो वॉर किया था ब्रिटिश के अपोज में, लेकिन उसमें ब्रिटिश जीत गई और वो तीनों भी हार चुके। ओके, थैंक यू। ब्रिटिश मैसूर स्ट्रगल नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे।